केमिस्ट्री बुक टू चैप्टर नंबर एट. इस लेक्चर के अंदर हम लोग लास्ट टाइम जो हम लोगों ने देखा था ना अल्कीन्स और अल्काइन्स का नोमेनक्लेचर, इस लेक्चर के अंदर हम उसको अप्लाई करेंगे और हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे. ठीक है, एग्जांपल्स के लिए मेरे पास काफ़ी आइडियाज़ थे. मैंने सोचा कि जो आपके बुक के एग्जांपल्स हैं अगर मैं उन्हीं को फॉलो करूँ तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ईजी होगा. क्वेश्चन नंबर 11 जो आपकी बुक का है, केमिस्ट्री बुक टू पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से, क्वेश्चन नंबर 11 का पार्ट ए है जिसके अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चरल फार्मूलाज जो हैं वो बनाने हैं और आपको गिवन है इस फॉर्म में फार्मूलाज 2,3,4,4 टेट्रामिथाइल 2-pentene. ठीक है, ये आपके पास एक कंपाउंड है, आपने इसको ड्रॉ करना है. अब सबसे पहले तो ये आप देखो कि इसमें टोटल आपके पास 5 कार्बन एटम्स हैं, बिकॉज ये पेंट इसका नाम है. तो सबसे पहले तो आप 5 कार्बन एटम्स इन स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो, कार्बन 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 और कार्बन. ठीक है, उसके बाद अब आपकी मर्जी, आप नंबरिंग किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो बिकॉज अब आप ये खुद बना रहे हो. मैं इसको 1 कह रहा हूं, इसको 2 कह रहा हूं, इसको 3, इसको 4 और इसको 5. ठीक है, अब 2-pentene का मतलब ये है कि 2 लोकेशन के ऊपर आपके पास इन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, 2 लोकेशन का मतलब हो गया ये वाली लोकेशन, यहां पे पहले एक सिंगल बॉन्ड था ना, मैंने इसको डबल कर दिया. ठीक है, उसके बाद 4 मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए, एक 2 पे, एक 3 पे और 2 4 लोकेशन पे. ठीक है, 2 लोकेशन पे क्या लगे हुए आपके पास, मिथाइल ग्रुप. बस यहां पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, यहां पे आपके पास एक मिथाइल ग्रुप. अच्छा, मैं सिंपल यहां पे सी ड्रॉ कर रहा हूं ना, इसका मतलब यही है कि ये CH4 है. ठीक है, अच्छा, 2 लोकेशन पे आपके पास 2 ग्रुप्स लगे हुए थे, एक ग्रुप लगा हुआ था, एक ग्रुप लगा हुआ था. ठीक है, तो इसको हम इरेज कर दिया. 2 लोकेशन पे एक लगा हुआ है, एक आपके पास 3 लोकेशन पे लगा हुआ है और 2 आपके पास 4 लोकेशन पे लगे हुए. ठीक है, बाकी सारे आप हाइड्रोजन ड्रॉ कर लो. ये हाइड्रोजन में नहीं करता, लेट्स मैं इसमें आपको करके दिखा देता हूँ, ये कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है हाइड्रोजन को इसके साथ ड्रॉ करना. एक कार्बन का पहले से बॉन्ड बना हुआ है, 3 हाइड्रोजन होंगे इसके साथ, इसका भी एक बना हुआ है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, इसका भी एक बना हुआ है तो 3 होंगे. इस कार्बन के चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इस कार्बन के भी चारों बॉन्ड्स कंप्लीट हैं, इस नीचे वाले कार्बन का एक बॉन्ड कंप्लीट है तो 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन होंगे. ये जो ऊपर वाला कार्बन है इसके चारों बॉन्ड्स कंप्लीट है और यहाँ पे आपके पास 3 हाइड्रोजन आ गए. ठीक है, तो ये आप हाइड्रोजन ना भी ड्रॉ करो, जो जस्ट आप कार्बन ड्रॉ करके आप देख सकते हो कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा. अच्छा, इसी की जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है 2,5 हेप्टा डाइईन, ये अब आपने ड्रॉ करना है. ठीक है, तो सबसे पहले अगेन इसका यही तरीका है, ड्रॉ करने से पहले आप देखो कि ये हेप्टा है ना. ठीक है, तो आपके पास पहले तो सीधे एक स्ट्रेट लाइन में 7 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दो, 4, 5, 6 एंड 7. ठीक है, आपने 7 कार्बन एटम्स ड्रॉ कर दिए. उसके बाद 2 और 5 लोकेशन, अब ये डाइईन का मतलब ये हो गया कि इसमें 2 ईन ग्रुप्स लगे हुए. ठीक है, और कौन सी लोकेशन पे, 2 और 5 पे. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करो कि इसकी नंबरिंग करो, आप किसी भी साइड से स्टार्ट कर सकते हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ठीक है, और अब आप 2 और 5 लोकेशन पे 2 ईन ग्रुप्स लगा दो. ठीक है, 2 लोकेशन का मतलब हो गया ये, 5 लोकेशन का मतलब हो गया ये. ठीक है, तो ये आपका कंपाउंड हो गया 2,5 हेप्टा डाइईन. इसे नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास 4,5 डाइमिथाइल 2-hexene. ठीक है, इस एग्जांपल में अगर आप देखो आपके पास हेग्स, सबसे पहले तो आपने इसको देखना है कि टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं. तो 6 कार्बन एटम्स आप इन स्ट्रेट लाइन जोड़ लो आपस में, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. ठीक है, नाउ यू हैव 6 कार्बन एटम्स, इसके अंदर आपके पास 2 लोकेशन पे हेक्सीन, 2 ईन, 2 पे एक ईन लगा हुआ है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप ये करो ना कि इसको नंबर करो, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6. 2 लोकेशन पे एक ईन ग्रुप लगा हुआ है, तो ये 2 लोकेशन पे इन ग्रुप हो गया. उसके बाद 4 और 5 लोकेशन पे 2 दफा मिथाइल लगा हुआ है. ठीक है, एक दफा यहां पे मिथाइल लगा हुआ है और एक दफा यहां पे मिथाइल लगा हुआ है. ठीक है, हाइड्रोजन इसके साथ आप जोड़ सकते हो जैसे मैंने पहले जोड़े थे. ठीक है, तो ये आपके पास कंपाउंड बन गया CH3,
थ्री, यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे एक एच होगा, यहाँ पे भी एक एच होगा, यहाँ पे भी एक एच होगा और यहाँ पे तीन एच होगा। ठीक है, तो ये आपके पास हो गया, क्योंकि गलती तो नहीं की हमने, नहीं की। ठीक है, तो ये आपके पास फोर फाइव यानी फोर और फाइव लोकेशन पे दो मिथाइल ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है, और टू लोकेशन पे इन है। ठीक है, और टोटल छह कार्बन एटम्स हैं जो लॉन्गेस्ट चेन है उसके अंदर। नेक्स्ट एग्जांपल जो है इससे, इस नेक्स्ट एग्जांपल में आपके पास है विनाइल एसिटाइलीन। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये विनाइल कहते किससे हैं। ठीक है, विनाइल बेसिकली एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है। आप अगर लो सी डबल बॉन्ड सी H2, ये क्या चीज है? आपके पास दो कार्बन एटम्स हैं, ये आपके पास ईथीन है। ठीक है, ईथीन। अब आप ये करो कि ईथीन को थोड़ा सा मजीद डिटेल में ड्रॉ करो। ईथीन बेसिकली ये चीज होती है ना। अब आप ये करो कि इस इथीन के अंदर से एक ये वाला जो हाइड्रोजन है इसको रिमूव कर दो। ठीक है, और यहां पे एक स्ट्रेट चेन यूं छोड़ दो। तो ये जो पूरा अब आपके पास फंक्शनल ग्रुप बन रहा है इसको हम कहते हैं विनाइल ग्रुप। ठीक है, इथीन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जो आपके पास बचता है, और ये आपके पास क्या बच रहा है अब? CH2 डबल बॉन्ड सी एच, और इसके आगे आप कुछ भी लगा सकते हो, और इसके आगे आप जो भी लगाओगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि एच के साथ बॉन्ड हो रहा है, ये इस कार्बन के साथ बॉन्ड एक बन रहा है। ठीक है, तो इस पूरी चीज को हम विनाइल ग्रुप कहते हैं। अब आपने क्या बनाना है? आपने विनाइल एसिटाइलीन बनाना है। अब अगेन आपको ये भी पता होना चाहिए कि एसिटाइलीन किसे कहते हैं। जिस तरह इथीन था ना, इसी तरह आप इथाइन ड्रॉ करो। अब इथाइन कैसा होगा? सी ट्रिपल बॉन्ड सी और साइड पे दो हाइड्रोजन एटम्स। इस ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है ना इथाइन, इथाइन का एक दूसरा नाम भी है, इसको हम एसिटाइलीन भी कहते हैं। ठीक है, तो ये इथाइन या एसिटाइलीन के साथ एक विनाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो अब कैसे लग सकता है विनाइल ग्रुप? यहां से आपको एक हाइड्रोजन हटाना पड़ेगा, तो आप हाइड्रोजन एक हटाओ, ये आपके पास एसिटाइलीन हो गया। ठीक है, और ये आपके पास सी एच टू सी एच, और ये आपके पास यहां से पीछे पीछे विनाइल है, और यहां से इस साइड पे आपके पास एसिटाइलीन है। इन दोनों को अगर आप जोड़ दो तो सिंपली आपके पास विनाइल एसिटाइलीन बन जाएगा। इसमें कोई बहुत बड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, सॉरी, यहां पे डबल बॉन्ड था, मैंने सिंगल बॉन्ड बना दिया। तो आपके पास सी एच टू सी सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ये जो आपके पास स्ट्रक्चर बना है ये आपके पास है विनाइल एसिटाइलीन का। तो जो आपने याद रखनी है बात, वो सिंपली ये है कि विनाइल हम किसको कहते हैं। ठीक है, विनाइल हम विनाइल इस ग्रुप को कहते हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, और आपके पास जो एसिटाइलीन है वो हम सिंपली इथाइन को बोलते हैं। विनाइल एसिटाइलीन के बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपके पास वो है 1,3-pentadiene। 1 और 3 पे पेंटाडाइन, पेंटा मींस 5 कार्बन एटम्स, जल्दी जल्दी इसको कहते हैं आप, 5 कार्बन एटम्स हो गए। ठीक है, दो इन ग्रुप्स लगे हुए हैं, एक 1 पे और एक 3 पे, 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा, ये आपकी मर्जी है, आप जिस मर्जी साइड से इसकी नंबरिंग स्टार्ट कर दो, इट वॉन्ट मैटर। आप 1 और 3 लोकेशन पे दो इन ग्रुप्स लगा दो, इन एंड इन, तो ये आपका 1,3 पेंटाडाइन बन गया। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज सिंपली 1-butyne। ठीक है, 1-butyne का मतलब ये हो गया कि पहले तो ब्यूट का मतलब हो गया 4 कार्बन एटम्स हैं। ठीक है, और 1 लोकेशन पे एक आयन ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नंबरिंग करो 1, 2, 3, 4, और 1 लोकेशन पे एक आयन लगा हुआ है, तो ये आपके पास 1-butyne हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग एक नेक्स्ट और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3-N-propyl-1,4-pentadiene। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो जहां पे भी आपके पास 3 के बाद एक लेटर आ रहा है ना, एन अल्फाबेट आ रहा है, तो इसने हाइफन लगाया है। ठीक है, और दो अल्फाबेट्स के दरमियान भी इसने हाइफन लगाया है, और देखो जब दो नंबर्स को इसने सेपरेट किया है तो दरमियान में एक
कमा लगाया, ठीक है। तो ये इसका नोमेनक्लेचर में आपने ख्याल रखना है। पेंटा का मतलब हो गया पांच कार्बन एटम्स हैं, 1, 2, 3, 4 and 5, ठीक हो गया, एंड ऑल सिंगल बॉन्ड्स फर्स्ट। उसके बाद 1 और 4 लोकेशन के ऊपर आपके पास दो इन ग्रुप्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप नंबरिंग करो, 1, 2, 3, 4, 5। लेट्स चेंज द कलर। 1 and 4 लोकेशन के ऊपर यू हैव टू ड्रॉ टू इन्स, 1 in ओवर हियर एंड 1 at the 4th लोकेशन। या 1 और 4 लोकेशन के ऊपर आपने दो इन्स बना दिए, इट वॉन्ट मैटर आपने इसको 1 कहा होता और इसको 5 कहा होता, तब भी यही स्ट्रक्चर बनना था, 1, 4 पेंटाडाइन। इसके बाद 3 लोकेशन के ऊपर एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है। अब देखो प्रोपाइल के अंदर कितने कार्बन होते हैं, 3, 1, 2, 3, ठीक है। अब देखो इसको मैंने सीधा बनाया एक लाइन के अंदर, इसकी वजह यह है कि बिकॉज ये 3N प्रोपाइल था, अगर ये 3 आइसो प्रोपाइल होता तो फिर मैं क्या करता, फिर मैं ये करता कि ये जो मैंने नीचे कार्बन निकाले हैं ना, इनको मैं ऐसे नहीं लेके आता, ठीक है। फिर मैं यूं करता कि एक कार्बन यूं सीधा नीचे लेके आ जाता और 2 कार्बन उसके साइडों पे, और फिर ये ऐसे होता कि ये पूरा एक आइसोमर आइसोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, ये स्ट्रेट चेन में नहीं एग्जिस्ट कर रहा, ठीक है। एन का तो मतलब है स्ट्रेट चेन, तो स्ट्रेट चेन के केस में आप क्या करोगे कि इसको एक सीधा लाइन से रिप्रेजेंट करोगे, और आइसो की केस में आप इसको यूं लॉन्ग चेन साइडों पे एक्सटेंड करा के करोगे। तो ये आपका 3N प्रोपाइल 1, 4 पेंटाइन ये आपने बना दिया। इससे नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट एग्जांपल नाउ। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास विनाइल ब्रोमाइड, विनाइल ब्रोमाइड। ये तो बहुत ही आसान है ना, जब आप ड्रॉ कर सकते हो। विनाइल हमने क्या देखा था, किसको कहते हैं, सी एच और एच लगा हुआ होता है, दरमियान में होता है डबल बॉन्ड, फिर एक सी और एक एच होता है, और एक ऐसा आता है आपने एच हटा दिया था ही 3 के अंदर से, और जो एक एच हटा दिया है वहां पे सिंपली आप ब्रोमाइड लगा दो, बी आर लगा दो, ठीक है, सिंपली विनाइल ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। सो विनाइल ब्रोमाइड के बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है आपकी बुक की ब्यूट 1 in 3 ion, ठीक है। सबसे पहले तो ब्यूट से आपको ये पता चल रहा है, वी हैव अ टोटल ऑफ 4 कार्बन एटम्स, 1, 2, 3 and 4 कार्बन एटम्स, राइट। उसके बाद 1 लोकेशन इस, अब आप नंबरिंग करो किसी भी साइड से, 1, 2, 3, 4 कर दो, यूं कर दो नंबरिंग। अब आपके पास 1 लोकेशन पे एक ईन लगा हुआ है, 1 लोकेशन पे एक ईन लगा हुआ है यानी डबल बॉन्ड कर दो, एंड 3 लोकेशन पे एक आइन लगा हुआ है, ठीक है। तो यूं आपने, अच्छा एक इंटरेस्टिंग चीज पे आप गौर करो, ये जो नीचे कंपाउंड है, अगर आपने इसको नाम देना होता तो आप क्या देते, आपने अगर खुद इसको नाम देना होता। देखो सबसे पहले तो आप लॉन्गेस्ट चेन तो इसकी यही है जो है, ठीक है। अब नंबरिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसने लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट की है, और लेफ्ट साइड पे आपके पास ईन है और राइट साइड पे आपके पास आइन है, सॉरी। तो इसने क्या किया है कि ईन को 1 नंबर दिया है और आइन को 3 दिया है। हालांकि आप अगर इस साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हैं तो 1 नंबर मिल जाता आइन को और 3 नंबर मिल जाता ईन को, ठीक है। फिर क्या हो जाता, 1, 2, 3, 4। अब इसने क्या किया है, ईन को छोटा नंबर दिया है, और ये हम लोग लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं कि ईन को आप लोगों ने छोटा नंबर देना है अगर दोनों एक ही लोकेशन के ऊपर आ जाए, ईन और आइन, ठीक है। इसके बाद एक 2 एग्जाम्पल्स रह गए आपकी बुक की, एक तो ये है 4-methyl-2-pentyne, सो यू हैव पेंटाइन्स, यानी आपके पास कितने कार्बन एटम्स हो गए टोटल, 5, 2, 3, 4, 5। इन 5 कार्बन एटम्स में 2 लोकेशन के ऊपर आपके पास एक आइन लगा हुआ है, सबसे पहले तो 1, 2, 3, 4, 5 करें ना। अब 2 लोकेशन के ऊपर एक आइन लगा हुआ है, जिसका मतलब हो गया कि यहां पे सिंगल बॉन्ड को ट्रिपल बॉन्ड में चेंज कर दें। 2 लोकेशन के ऊपर पेंटाइन हो गया और 4 लोकेशन के ऊपर एक मिथाइल लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पे एक सी सिंपल लगा हुआ है या CH3 लगा हुआ है, बेसिकली मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली 4-methyl-2-pentyne। अगेन इसके लास्ट वाला रह गया विच इज आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन इज नॉट बेसिकली अल्कीन और अल्काइन, सो लेट्स नॉट डिस्कस इट। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट बी के अंदर आप लोगों के पास स्ट्रक्चर्स हैं कुछ, हम जो थोड़े से मुश्किल मुश्किल वाले स्ट्रक्चर्स हैं वो कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं ये स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर नंबर 3 जो है आपके पास,
CH3, CH2, CH2, C, double bond, CH2, and then CH, if all CH, and CH3 hold twice. Ab ye CH3 hold twice ab yun nahi ho sakta. CH3, CH3, yun to structure hi galat ho jayega na, kyunki is carbon ke 1, 2 aur 3 5 bonds ban rahe hain, theek hai? Iska matlab hai jo niche maine 2 CH3 likhe hai ye aise nahi honge. Ye balki kaise honge? Ye aapke paas sides pe extended honge. CH3 and CH3. Is structure ko ab aapne naam dena. सबसे पहले तो हमारा काम क्या है, हमने लॉन्गेस्ट चेन देखनी है. लॉन्गेस्ट चेन कौन सी है इसमें? 1 2 3 4 5 कार्बन एटम्स और कोई और लॉन्गेस्ट बन रही है? 1 2 3 नहीं. लॉन्गेस्ट चेन भी आपने देखनी है, इस तरीके से देखनी है कि बीच में डबल बॉन्ड भी आ रहा हो. सो ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन बन रही है उस हिसाब से, ठीक है. दूसरी चीज आपने क्या करनी है, आपने कार्बन एटम्स को नंबर करना है. और राइट साइड पे चूंकि आपका डबल बॉन्ड करीब है तो मैं या राइट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करो. 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है. एंड वन लोकेशन के ऊपर आपके पास एक ईन ग्रुप लगा हुआ है और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 5. और टू लोकेशन के ऊपर आपके पास एक प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. सो अब सिंपली इसको लिखने का तरीका ये होगा कि सबसे पहले तो आप ईन लिख दो एंड के ऊपर, ठीक है. और 1 2 3 4 5 तो इसका मतलब है कि ये सिंपली पेंटीन है, ठीक है. ये पेंटीन हो गया और इस पेंटीन में किस लोकेशन के ऊपर इन ग्रुप लगा हुआ है? टू लोकेशन के ऊपर, या वन लोकेशन, सॉरी वन लोकेशन के ऊपर, वन पेंटीन, ठीक है. और पीछे आपके पास एक ग्रुप भी लगा हुआ है. कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है. और कौन सी लोकेशन पे? टू लोकेशन के ऊपर, टू हाइफन प्रोपाइल. अब दिस इज इंटरेस्टिंग, ये जो आपका प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है ये एक सीधी चेन में नहीं लगा हुआ. यू एक तो तरीका ये था ना कि सी 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 यू नीचे की तरफ निकल रहा होता तो इसको मैं एन प्रोपाइल बोलता. ये क्या है कि एक ऐसे कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है जो मजीद साइडों पे दो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है. यानी स्ट्रेट चेन में नहीं आ रहा नीचे. एक तो तरीका ये था ना कि ये पूरी चेन है तो नीचे यूं आ रहे होते तीन स्ट्रेट चेन में. ये आपके पास आइसो प्रोपाइल है, एन प्रोपाइल नहीं है, ठीक है. तो दिस इज टू आइसो प्रोपाइल, वन पेंटीन. दिस इज द नेम ऑफ नेम फॉर द स्ट्रक्चर. इसके बाद हम लोग इससे नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ यूं है, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है. अच्छा, इस कंपाउंड में सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि देखना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स 4 है टोटल. और सबसे लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कोर्स जो बनी हुई है यही है. आप किसी भी साइड से नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, बिकॉज इस साइड से भी करोगे तो फर्स्ट लोकेशन पे डबल बॉन्ड है, इस साइड से भी फर्स्ट लोकेशन पे डबल बॉन्ड है. सो लेट्स से 1 2 3 एंड 4, एंड बाय दिस नंबरिंग 1 और 3 लोकेशन पे दो इन ग्रुप्स लगे हुए हैं. सो आई वुड से 1, 3, और इसको मैं डाई इन बोल दूंगा, डाई इन, बिकॉज दो इन ग्रुप्स लगे हुए हैं, ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स आर 4. सो आई वुड से 1, 3 hyphen buta diene, ठीक है. 1, 3 buta diene. इसके बाद हम एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, बल्कि दो तीन और कर लेते हैं. सी एच टू डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच थ्री, एंड देन यहां पे आपके पास C2H5. अब आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना व्हाट इज C2H5. अब अगर आप ड्रॉ करो ना, C2H5 का मतलब सिंपली ये है, C सिंगल बॉन्ड C और इसको CH3 कर दो और इसको CH2 कर दो, ऊपर नीचे एक हाइड्रोजन लगा दो, एंड यहां पे आपके पास पीछे एक स्ट्रेन निकल रही है. तो C2H5 इज नथिंग बट इथाइल ग्रुप. C2H5 इज इथाइल ग्रुप, तो ये आपके पास इथाइल ग्रुप लगा हुआ, ठीक है. इसको हम साइड से इथाइल ग्रुप को इरेज कर देते हैं और अब हम देखते हैं कि ये क्या कंपाउंड है. तो कंपाउंड की लॉन्गेस्ट चेन जो आपने डिटरमिन करनी है वो ऑफ कोर्स ये वाली है इस केस में, ठीक है. बिकॉज इथाइल नीचे दो कार्बन हैं, अगर उसके साथ आप चेन करोगे तो वो चार बन जाएंगे, यूं आपके पास 5 कार्बन एटम्स बन रहे हैं. नंबरिंग में स्टार्ट करूंगा लेफ्ट साइड से, बिकॉज यहां पर इन ग्रुप है. 1 2 3 4 5 ये आप
का वन लोकेशन पे एक इन ग्रुप लगा हुआ है. सो दिस इज बेसिकली वन पेंटीन. ठीक है, वन पेंटीन तो सबसे पहले आप लिख दोगे, उसके बाद आप पीछे लिखोगे कि पीछे क्या लगा हुआ है इसके साथ. सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप टू लोकेशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, टू लोकेशन पे एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, टू इथाइल वन पेंटीन. दिस इज सिंपली द नेम फॉर द स्ट्रक्चर. एंड लेट्स नाउ फाइनली क्लोज अप कर लेते हैं इस सारे का एक और एग्जाम्पल करने के बाद. एक एग्जाम्पल जो है वो सेकेंड लास्ट जो आपकी बुक एग्जाम्पल है, दैट इज सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी एच डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखो, आप अगर लेफ्ट साइड से नंबरिंग स्टार्ट करते हो या राइट साइड से करते हो तो आइन को कोई एक नंबर मिलेगा, और अगर आप लेफ्ट से करो या राइट से करो जैसे मर्जी करो आपका इन एग्जैक्टली मिड पे आ रहा है. सो आप 1, 2, 3, 4, 5, 6 जैसे मर्जी नंबरिंग कर दो कोई फर्क नहीं पड़ता. अब 1 लोकेशन के ऊपर और 5 लोकेशन के ऊपर आइन लगा हुआ है और 3 लोकेशन के ऊपर इन लगा हुआ है और टोटल कार्बन एटम्स 6 है. ठीक है, तो इसको आप लिखोगे कैसे? आप आइन हमेशा एंड पे लिखते हो. ठीक है, इस ये आपका एक रूल है. ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे कि थ्री लोकेशन के ऊपर थ्री डैश इन थ्री हाइफन इन, उसके बाद वन और फाइव के ऊपर आइन ग्रुप लगा हुआ है ना, वन कॉमा फाइव पे आपके पास क्या लगा हुआ है? ब्यूटा, ब्यूटा नहीं, हेक्सा, हेक्सा और साथ आपके पास दो आइन ग्रुप्स लगे हुए हेक्सा डाई आइन. ठीक है, अच्छा अब ये जो मैंने नाम जिस तरीके से इस कंपाउंड को दिया है, इस तरह हमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो जाती है. अक्सर आप जगहों पे देखोगे कि इसने हेक्सीन यहां पे लिखा हुआ होगा और वहां पे सिंपली 1,5 डाई आइन लिखा होगा. इस कंपाउंड को आप यूं भी नाम दे सकते हो 3-hexene. थ्री एक हेक्सीन है. ठीक है, जिसमें थ्री लोकेशन के ऊपर इन ग्रुप लगा हुआ है, उसके बाद वन और फाइव लोकेशन के ऊपर एक डाय दो डाय आइन ग्रुप लगे हुए हैं. ठीक है, यानी दो दफा आइन ग्रुप लगा हुआ है. ठीक है, तो इसको आप यूं भी नाम दे सकते हो. इससे नेक्स्ट जो बल्कि आपकी बुक की लास्ट एग्जाम्पल है, ये भी आपको बता ही देता हूं बिकॉज इसमें एक रूल यूज हो रहा है. आपके पास सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच सिंगल बॉन्ड सी एंड ट्रिपल बॉन्ड सी एच है. ठीक है, अब देखो आप इस साइड से नंबरिंग करते हो तो आपका इन सबसे क्लोज है, इस साइड से करते हो तो आइन क्लोज है, और मैंने कहा था कि प्रायोरिटी आपने किसको देनी है? इन को देनी है. तो आप नंबरिंग यहां से स्टार्ट करोगे 1, 2, 3 एंड 4. ठीक है, और चार आपके पास कार्बन एटम्स हैं, सो दिस इज बेसिकली ब्यूट, और इन आप पहले लिख दो, आइन आप हमेशा बाद में लिखते हो. ठीक है, और वन लोकेशन के ऊपर आपके पास इन है, वन ब्यूटीन हाइफन थ्री के ऊपर आपके पास एक आइन ग्रुप लगा हुआ है, वन ब्यूटीन थ्री आइन. ठीक है, तो इस कंपाउंड का आप ये नाम लिखोगे. ठीक है, सो दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने बेसिकली मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स की जो आपके बुक ही के क्वेश्चन नंबर 11, या इन अदर वर्ड्स आप क्वेश्चन नंबर 11 को ना भी देखो, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल थी. सबसे पहले हम लोगों ने, ये आपके पास डिटेल्ड फॉर्मूलाज थे, हमने इनसे स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज ड्रॉ किए, और देन स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज थे हम लोगों ने दूसरा जो आपके पास केमिकल फॉर्मूलाज इनका लिखे. दैट्स इट फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह अल्केन्स के ऊपर डिटेल से बात स्टार्ट करेंगे, अल्केन्स की प्रिपरेशन जो है, और उसके बाद हम लोग इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे.